फकीर को पहचानना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसा फकीर। आप अपने कुछ साथियों के साथ एक पेड़ के साए तले बैठे थे। अरे ये पेड़ के नीचे कौन लोग बैठे हैं? अभी पूछते हैं। ए, कौन हो तुम लोग? सुनाई देता कि हम लोग क्या कह रहे हैं? गरीब नवाज खामोश रहे और अपने साथियों से कहा कि वो भी खामोश रहे। ए, अरे हो गया तुम लोग? क्या तुम्हें मालूम नहीं इस पेड़ के नीचे राजा के ऊंट बैठते हैं? यहाँ हम राजा के ऊंट बांधेंगे। गरीब नवाज ने आहिस्ता से फरमाया, क्यों लज रहे हो? इतना बड़ा मैदान पड़ा है, तुम्हारे राजा के ऊंट किसी भी जगह बैठ सकते हैं। नहीं, हमने कहा वो करो, यहाँ से हट जाओ। यहाँ हम राजा के ऊंट बांधेंगे। आपने फरमाया, ठीक है, मैं यहाँ से अपने साथियों को लेकर उठा जाता हूँ। अब यहाँ तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। ये ऊंटों को क्या हो गया? बैठ गए तो उठने का नाम ही नहीं लेते। नकेल खींच खींच कर थक गए, मार मार कर उठा उठा के थक गए। ओहो, ऐसा लगता है जैसे ऊंटों को जमीन ने जकड़ लिया। कमाल है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। चलो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। चलो भैया फिर कोशिश करते हैं। ऊंट यूं ही बैठे रहे तो मुसीबत हो जाएगी। फिर क्या करें? यह खबर महाराज को करनी पड़ेगी। ये काम तो तुम ही करो भैया, मुझमें तो हिम्मत नहीं रही। अब होगा सो होगा, महाराज को खबर तो करनी पड़ेगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूं महाराज को खबर देकर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों कांप रहे हो? महाराज जान की दुहाई हो तो कुछ कहूं? कहो। महाराज गजब हो गया, हमारे ऊंट जहां पर बैठते हैं वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। महाराज हमने लाख कोशिश कर दी लेकिन ऊंट टस से मस नहीं हो रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? नकेल पकड़ कर उठाओ, मार मार कर उठाओ। हमने सब आजमा के देख लिया मगर हम नाकाम रहे। जरूर कोई बात है, जब तुमने वहां ऊंट बांधे थे तब वहां कोई था? हाँ महाराज, जब हम वहां पहुंचे तो एक फकीर 8-10 मुरीदों के साथ वहां बैठे हुए थे। फिर हमने उनसे कहा, हट जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊंट बैठेंगे, और हमने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया। बेवकूफों, तुमने जरूर किसी सच्चे फकीर के साथ बदसलूकी की है। जाओ जाकर उन्हें तलाश करो, उनसे माफी मांगो। याद रहे, अगर हमारे ऊंट नहीं उठे तो तुम दुनिया से उठा दिए जाओगे। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, जो यहाँ फकीर बैठे थे वो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। महाराज ने आदेश दिया है कि उन्हें तलाश करो और उनसे माफी मांगो। तुम ठीक कह रहे हो भाई, आओ उन्हें तलाश करते हैं। ठीक है, ऐसा करो तुम दोनों उधर तलाशो, हम इधर जाते हैं। ठीक है। देखो देखो वो रे बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बाबा, हमें माफ कर दो। अगर हमारे ऊंट नहीं उठे तो महाराज हमें दुनिया से उठा देंगे। हम पे रहम करो बाबा, हम पे रहम करो।
हम पे रहम करो। गरीब नवाज कब किसी का दुख देख सकते थे? आपने फरमाया जाओ, तुम्हारे राजा के ऊंट उठ गए हैं। और लोगों ने जाके देखा, ऊंट खड़े होने लगे थे।